नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। आज हमारे पास है हाथरस वारदात की 19 पन्नों की चार्जशीट की कॉपी। इस मामले में पुलिस जांच की नाकामी के बाद सीबीआई की एंट्री हुई थी। सीबीआई ने इस पूरे केस में लंबी जांच के बाद 19 पेज की चार्जशीट बनाई है। जी न्यूज के पास इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। हम आपको बारी बारी इस चार्जशीट से जुड़ी सारी बातें बताएंगे, लेकिन शुरुआत में हम आपको इस चार्जशीट से जुड़ी 10 अहम बातें बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस चार्जशीट में लिखी है, सीबीआई की चार्जशीट में रेप की बात लिखी गई है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MIMB यानी अलग अलग मेडिकल संस्थानों के जो डॉक्टर्स का समूह है, उसने मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की है। तीसरी अहम बात, पीड़िता और आरोपी संदीप के बीच संबंध थे। चौथी अहम बात, पीड़िता और आरोपी संदीप फोन पर बात करते थे। पांचवी बात, पीड़िता के परिवार को थी इन संबंधों की जानकारी। छठवीं अहम बात, आरोपी संदीप को था पीड़िता पर शक, संदीप को लगा था कि पीड़िता का किसी और से अफेयर शुरू हो गया है। सातवीं अहम बात, वारदात के वक्त घटना स्थल पर थे चारों आरोपी। आठवीं अहम बात, घटना स्थल जल्दी नहीं पहुंचा था भाई, जिसके बाद सवाल उठे। नौवीं अहम बात, मामले की जांच में पुलिस ने लापरवाही बरती। और दसवीं अहम बात, मेडिकल जांच कराने में पुलिस ने ढिलाई दिखाई। तो ये 10 अहम बातें हैं जो इस चार्जशीट में लिखी हैं। तो हाथरस के सबसे इस पूरे केस में जो अहम सवाल उठता है वो यही है कि क्या पीड़िता का रेप हुआ था, क्योंकि इस सवाल पर उलझन लगातार बनी हुई थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह साफ कर दिया है कि हाथरस की पीड़िता का रेप हुआ था और इस वारदात में चार आरोपी शामिल थे जिनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हाथरस केस में सीबीआई की जांच पिछले लगभग 3 महीने से चल रही है। पुलिस की जांच पर पीड़िता के परिवार को भरोसा नहीं था, इसीलिए इसकी जांच के लिए सीबीआई की एंट्री हुई। शुरुआत में पुलिस की थ्योरी पर आगे बढ़ रही सीबीआई ने इस मामले में मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड बनाया, जिसका काम था इस मामले में सटीक मेडिकल जाँच करना। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर आदर्श कुमार को इसका अध्यक्ष चुना गया और इस बोर्ड ने अपनी जाँच में पाया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था। सीबीआई ने पीड़िता के आरोपों को जांचने के लिए एम्स के डॉक्टर की अध्यक्षता में अलग अलग इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों का एक पैनल बनाया, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि लड़की के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट को इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि समूह ने यह पाया कि पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो सकता है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि पीड़िता वारदात वाले दिन अपनी माँ के साथ खेत पर थी। काम करने के बाद कुछ देर के लिए उसने अपनी माँ से आराम करने की बात कही और वहाँ से चली गई। इस बीच जब पीड़िता की माँ उसे ढूंढने पहुँची तो वो उसे वहाँ नहीं मिली। पीड़िता की माँ करीब 50 मीटर दूर बेटी को छोड़कर घास काटने के लिए चली गई थी, लेकिन जब कुछ देर बाद वो वापस आई तो बेटी वहाँ पर नहीं थी। जब उसने तलाश की तो करीब वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर उसे मेड़ के पास चप्पले मिली और वहां से अंदर जब बाजरे के खेत में गई तो वहां पर उसे अपनी बेटी बेसुध हालत में मिली। सीबीआई इस केस में पीड़िता की मौत से पहले दिए गए बयान को आधार बनाकर जांच कर रही थी। पीड़िता ने अपने बयान में भी संदीप, रामू, रवि और लवकुश पर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने 22 सितंबर को तहसीलदार के सामने चारों आरोपियों के खिलाफ अपने आखिरी बयान दर्ज करवाए और ये आखिरी बयान सीबीआई के लिए काफी अहम सबूत है। हाथरस केस में पीड़िता के भाई पर भी संदेह किया गया था। सीबीआई की चार्जशीट में एक बात साफ है कि रेप करने वाले वही चार आरोपी थे जिनके नाम पीड़िता ने अपने बयान में लिए थे, लेकिन इस केस में सीबीआई की चार्जशीट में एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से पीड़िता के भाई पर भी सवाल उठे। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद वारदात का पूरा घटनाक्रम चार्जशीट में बताया है। सीबीआई के मुताबिक घटनास्थल पर पीड़िता की मां मौजूद थी, जिन्होंने पहली बार बेटी को गंभीर हालत में देखा था। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो उन्होंने एक शख्स को अपने बेटे को बुलाने के लिए भेजा।
पीड़िता की मां ने जब अपनी बेटी को खेत में बेसुध हालत में देखा तो उसने तुरंत वहां पर काम कर रहे एक आदमी को घर से अपने बेटे को बुलाने के लिए भेजा, जिसने पीड़िता के घर जाकर के उसके भाई की 5 साल की बेटी को इस बात की जानकारी दी। बहन के साथ कुछ अनहोनी की खबर मिलने के बाद किसी की भी पहली प्रतिक्रिया होती है कि वो तुरंत घटनास्थल की ओर निकले ताकि वो परिवार की मदद कर सके, लेकिन पीड़िता के भाई ने ऐसा नहीं किया। सीबीआई की चार्जशीट में कुछ ऐसी ही बात निकल कर सामने आई है। इस पूरे मामले में थोड़ी हैरान करने वाली बात यह भी है कि घटना के काफी देर बाद तक पीड़िता का भाई घर के बाहर ही मौजूद था, जबकि उसकी बेटी के जरिए घटना की जानकारी उस तक पहुंचा दी गई थी। हाथरस मामले में शुरुआत में शक जताया गया था कि पीड़िता और संदीप के बीच प्रेम संबंध थे। इस एंगल पर सीबीआई ने जब जांच की तो उन्हें भी इसकी सच्चाई के बारे में पता चला। दरअसल पीड़िता और संदीप के फोन कॉल डिटेल्स और लोगों से हुई पूछताछ के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि पीड़िता और संदीप एक दूसरे को जानते थे और कई सालों से दोनों में संबंध थे। पीड़िता और आरोपी संदीप के बीच प्रेम संबंधों की खबर पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन इस मामले में सच्चाई सीबीआई चार्जशीट से पता चलती है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि संदीप का घर बुलगढ़ी गांव के पास ही था और 2 से 3 साल पीड़िता और संदीप के बीच दोस्ती थी जो आगे बढ़कर प्रेम संबंधों में बदल गई। सीबीआई चार्जशीट में जिक्र है कि आरोपी संदीप और पीड़िता का घर आसपास ही था, दोनों के बीच 2 से 3 साल दोस्ती रही, फिर ये दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई। पीड़िता और आरोपी संदीप एक दूसरे से मिलते भी थे और इन तथ्यों की पुष्टि कई चश्मदीदों ने सीबीआई से की। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि संदीप के पास 3 अलग-अलग नंबर थे जिनसे वो बात करता था। 17 अक्टूबर 2019 से लेकर 3 मार्च 2020 तक 105 फोन कॉल दर्ज हुई है, जिससे पता चलता है कि पीड़िता के परिवार को भी पीड़िता और आरोपी संदीप के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है कि आरोपी संदीप और पीड़िता फोन पर बात भी करते थे। पीड़िता के परिवार को दोनों के रिश्तों के बारे में पता था। पीड़िता और संदीप के परिवार वालों का झगड़ा भी हुआ था इस बात पर। सीबीआई ने दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली। इन कॉल डिटेल्स के मुताबिक पीड़िता आरोपी संदीप को कम समय के लिए छोटे कॉल्स करती थी, जिसके बाद आरोपी संदीप देर तक पीड़िता से बात करता था। ये बातचीत पीड़िता के परिवार के किसी खास नंबर पर होती थी। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि पीड़िता और संदीप के बीच संबंधों में तब खटास भी आने लगी जब उनके परिवार इसके बीच में आ गए, लेकिन इसके बाद भी संदीप अपने दोस्तों की मदद से पीड़िता से बात करने की कोशिशें करता रहा। आरोपी संदीप ने पीड़िता से बातचीत करने की कई कोशिशें की। मार्च 2020 के बाद आरोपी संदीप ने कई अलग अलग नंबरों से फोन भी किए। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी संदीप ने अपने दोस्त को पीड़िता का नंबर दिया था और साथ ही उससे पीड़िता को कॉल करने की बात कही थी, जिसके बाद आरोपी संदीप के दोस्त ने पीड़िता को 4 बार कॉल भी की। उसने कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए पीड़िता से बात करने की कोशिश की थी। और इस मामले में चार्जशीट में सीबीआई ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई के मुताबिक इस मामले की जांच में पुलिस ने लापरवाही बरती, मेडिकल जांच के साथ साथ बयान दर्ज करने में भी ढिलाई बरती गई। साथ ही जिन आरोपियों ने पहले खुद को बेकसूर बताया था वो भी चार्जशीट के मुताबिक झूठ बोल रहे थे। हाथरस केस में 4 आरोपी थे, संदीप, रामू, रवि और लवकुश। इन चारों के नाम पीड़िता ने अपने बयान में लिए थे। इन्हीं चारों को सीबीआई ने भी आरोपी बनाया है। सीबीआई के मुताबिक इन चारों ने अपने बयानों में कई झूठ बोले। आरोपियों ने घटना वाले दिन खुद के घटनास्थल पर न होने की बात कही थी, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि ये चारों वारदात के वक्त घटनास्थल पर ही थे। सीबीआई ने आरोपी रामू, रवि, लवकुश से पूछताछ की। रवि ने कहा था कि वो घटना के वक्त डेयरी पर गया हुआ था। सीबीआई जांच में पाया गया कि रवि सुबह 7:30 बजे डेयरी पर था, लेकिन 7:30 बजे के बाद रवि कहां गया ये किसी को नहीं मालूम। सीबीआई ने रामू से भी पूछताछ की थी। रामू का कहना था कि घटना के वक्त गांव की एक डेयरी पर वो काम कर रहा था। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि डेयरी पर आने जाने का समय तय नहीं था, कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर भी नियम सख्त नहीं थे। सीबीआई ने जब लवकुश से पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
हालांकि ये बात सीबीआई की जांच में सामने आई कि घटना के तुरंत बाद लवकुश घटना स्थल पर मौजूद था। इस केस में पुलिस की जांच संदेह के घेरे में भी रही है और उन्होंने जो कदम उठाए उस पर कई सवाल भी उठे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये माना है कि पुलिस ने इस केस में पीड़िता की मेडिकल जांच देरी से कराई और उसके बयान भी सही ढंग से दर्ज नहीं किए। इस मामले में सीबीआई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने माना कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती और मेडिकल जांच में देरी की। फॉरेंसिक जांच में भी पुलिस ने काफी ढिलाई बरती, जिसकी वजह से सबूत जुटाने में दिक्कतें आईं। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन शाम 7 बजे जी न्यूज पर आप देखिए किसका बंगाल। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।